पहले पथरी के ऑपरेशन के लिए चीर दिया पेट, फिर डॉक्टर बोला पेट में गॉल ब्लेडर ही नहीं है। नमस्कार आदाब, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। मेडिकल हब कही जाने वाली बरेली में मरीजों की जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका ताजा मामला बहेड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ पेट दर्द से पीड़ित एक महिला का निजी अस्पताल के डॉक्टर ने पहले गॉल ब्लेडर में पथरी होने के नाम पर ऑपरेशन कर दिया, बाद में यह कहकर टरका दिया कि महिला के तो जन्म से ही पेट में गॉल ब्लेडर ही नहीं है, जबकि ऑपरेशन से पहले और बाद की दोनों ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गॉल ब्लेडर में पथरी निकली है। दरअसल बहेड़ी के गांव शाहगढ़ की रहने वाली 36 वर्षीय सन्नो के पेट में दर्द की शिकायत बनी रही है। उन्होंने एक डॉक्टर की सलाह पर अल्ट्रासाउंड कराया तो गॉल ब्लेडर में पथरी होने की रिपोर्ट सामने आई। इस पर उन्होंने क्षेत्र में स्थित सिटी हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही। बीते दिनों अस्पताल में डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन भी कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने बाद में कहानी गढ़ दी कि महिला के जन्म से ही गॉल ब्लेडर नहीं है, उसने गलती से ऑपरेशन कर दिया है। यह सुनकर महिला और उसके परिजनों के होश उड़ गए, मगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गॉल ब्लेडर में पथरी निकली थी। महिला के परिजनों को डॉक्टरों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ऑपरेशन के बाद महिला का दो अलग अलग जगह अल्ट्रासाउंड कराया। इन दोनों रिपोर्ट में भी महिला के पेट में गॉल ब्लेडर होने और उसमें पथरी होने की रिपोर्ट सामने आई है। इस पर महिला के परिजनों का डॉक्टर पर आक्रोश फूट पड़ा है। ये है, मेरे तकलीफ हुई थी, मैं बुध को गई थी इनको दिखाने के लिए, तो ये बोले डॉक्टर साहब आ जाएंगे, आज ही हम ऑपरेशन कर देंगे। तो हम ये कहे हम अपने यहाँ फाटक दिलाएंगे। उसके बाद में हुआ पथरी आई, एक 800 mg की आई, एक 11 mg की आई। फिर हम जुमरात बुध को गए दिखाने के लिए डॉक्टर साहब के यहाँ सती हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा हम आज ही ऑपरेशन कर देंगे, हम क्या आज नहीं करवाएंगे, हम जुमे वाले दिन करवाएंगे, जुमे रात को मिलाद शरीफ होगी हमारे यहाँ। तो हम 10 बजे गए वहाँ दिखाने के लिए, उन्होंने बोतलें लगाई और बोतल लगा के बोतलें चढ़ाई शाम तक। फिर शाम को 7 बजे ले गए, उसी में कटहर लगाए, क्या कहे हैं आप सर थिएटर में ले गए। तो हुआ लेगा 7 बजे, 8 बजे निकाल के लाए, बोले ना इनके है पित्ता ना है पथरी, इनका पेट चिर गया खमाखाई में। तो रुद्रपुर करवाया हमने अल्ट्रासाउंड, तो हुआ पथरी भी आई, एक 4 mg की आई, एक 5 mg की आई। हुआ महिला के एक परिचित वकील आरिफ ने मामले को लेकर अस्पताल पर कार्रवाई की मांग उठाई है। मामला सामने आने के बाद जब डॉक्टर से बात करने की कोशिश करी गई तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उधर CMO बलबीर सिंह का कहना है कि अगर उन्हें शिकायत मिलती है तो पूरे मामले की जांच कराकर डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शायगढ़ में एक मज्जन खां है, उनकी बीवी है शन्नो, तो उनके पेट में दर्द हुआ, उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करा लो। वो दिव्य अल्ट्रासाउंड पर पहुँची और उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उस अल्ट्रासाउंड में ये रिपोर्ट उन्होंने दी कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो वो उनकी रिपोर्ट लेके सिटी हॉस्पिटल पहुँचे, तो सिटी हॉस्पिटल के जो भी उनके डायरेक्टर हैं और जो वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, उन्होंने ये बताया कि हम इसका ऑपरेशन कर देंगे। उन्होंने उनसे पैसा तय किया उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के आधार पर। उन्होंने बेचारों ने अपना पैसा दे दिया, गरीब आदमी है, और शन्नों का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, पूरा पेट फाड़ दिया। डॉक्टर साहब का सिटी हॉस्पिटल वालों का ये कहना है कि इनके पैदाइशी पित्ता नहीं था और ना ही कोई पथरी है, हमने इनको कोई और अंदर शिकायत थी, वो उनका कोई अंग काट के हमने निकाल दिया। हमने उनसे ये कहा कि ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट है, तो अल्ट्रासाउंड वालों की गलती है अगर उन्होंने अल्ट्रासाउंड में गलत रिपोर्ट दे दी। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया ऑपरेशन होने के बाद में, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप हमारे बताए जगह पर अल्ट्रासाउंड कराइए। तो सिटी हॉस्पिटल वालों ने रुद्रपुर भेजा और वहाँ जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें गॉल ब्लैडर भी है और स्टोन भी है, उसके अंदर 8 mm की स्टोन भी आई है। तो हमने दिव्य अल्ट्रासाउंड वालों से भी शिकायत की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप हमारे बताए पर भी अगर दोबारा कहीं और करा लीजिए। तो बरेली भी उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया, उनके आज भी गॉल ब्लैडर भी मौजूद है और स्टोन भी मौजूद है। तो ये सिटी हॉस्पिटल वालों ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और पता नहीं कौन सा पार्ट शरीर के अंदर का उनका निकाल के और उसे कहाँ बेच दिया ये जानकारी नहीं है, जबकि गॉल ब्लैडर और स्टोन की जो ऑपरेशन होना था वो आज भी है उनके अंदर मौजूद है और उनको वही तकलीफ बनी हुई है।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अस्पतालों पर भी अंकुश लगना चाहिए। मेरी तो CMO साहब से भी मांग है कि कम से कम इनके जो डॉक्टर बैठते हैं उनकी डिग्रियां चेक करें, जो ऑपरेशन कर रहे हैं बिना डिग्री के अगर ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।